गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का। दुनिया किशोर कुमार को भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक के रूप में हमेशा याद करती है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार थी और जो लोग फिल्मों में उनके बाद आए वे केवल काफी हद तक उसी की नकल करने में कामयाब रहे जो किशोर कुमार ने अपने दिनों में किया था। हम हमेशा उनके गीतों को गहराई से सुनते हैं और किशोर कुमार की गहरी और अद्वितीय आवाज का आनंद लेते हैं, लेकिन अक्सर हम यह कहने से चूक जाते हैं कि किशोर कुमार कितने महान अभिनेता थे। यदि वह 70 के दशक में फुल टाइम गायक नहीं बनते तो निश्चित रूप से किशोर कुमार बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों के टफ कंपेटिटर जरूर होते। इस वीडियो में हम ऐसी 10 फिल्मों पर चर्चा करेंगे जो साबित करती है कि किशोर कुमार एक बहुमुखी अभिनेता और रोमांटिक कॉमेडी के निर्विवाद राजा थे। पहली फिल्म जो हमने चुनी है वह है नौकरी, जो 1954 में रिलीज हुई थी। इस सोशियो पॉलिटिकल फिल्म का निर्देशन किया था बिमल रॉय ने। इसमें किशोर कुमार ने एक दुर्लभ गंभीर अभिनय किया था। फिल्म की कहानी बेरोजगारी और उससे समाज के युवाओं को होने वाले नुकसान पर आधारित है। किशोर कुमार को अभी तक कॉमेडी रोल्स के लिए प्रसिद्धि नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने इस यादगार फिल्म में एक गंभीर लेकिन बहुत बहुत असरदार भूमिका निभाई। इस लिस्ट में हमारी दूसरी फिल्म है नई दिल्ली, जो साल 1956 में रिलीज हुई थी। आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर अभिनीत फिल्म टू स्टेट्स के आने से कई साल पहले किशोर कुमार और वैजयंतीमाला की रोमांटिक कॉमेडी से उत्तर और दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक विभाजन पर आधारित एक असाधारण फिल्म बनी थी। किशोर कुमार ने एक पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो एक तमिलियन होने का नाटक करता था ताकि वह अपने दक्षिण भारतीय मकान मालिक के पास एक कमरा किराए पर ले सके। चीजें तब दिलचस्प हो जाती हैं जब किशोर कुमार वैजयंतीमाला के प्यार में पड़ जाता है, जिसके पिता इंटरकास्ट गठबंधन के सख्त खिलाफ हैं। ढेर सारी कॉमेडी ऑफ एरर्स के बाद इस क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी में चीजें सुलझती हैं। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। इस लिस्ट में हमारी तीसरी फिल्म निर्देशक के रूप में ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म मुसाफिर है, जो एक मकान मालिक, उसके घर और विभिन्न किरायेदारों की एक एपिसोडिक कहानी थी। किरायेदारों के प्रत्येक समूह के पास एक नई कहानी थी और उन कहानियों में से एक में किशोर कुमार को एक परिवार के एकमात्र कमाने वाले के रूप में दिखाया गया था। वह एक हंसमुख व्यक्ति है जो अपनी दुखी बहन को हमेशा खुश रखता है, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिलती है तो उसे भी दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म में किशोर कुमार के अभिनय का सीरियस और हल्के फुल्के कॉमेडी का जबरदस्त मिश्रण था। बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख। अगली फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, जो 1958 में रिलीज हुई, जो किशोर कुमार को एक्टिंग स्टार के रूप में परिभाषित करती है। यह फिल्म एक अभिनेता के रूप में किशोर कुमार की लोकप्रियता के चरम पर रिलीज हुई थी और उस समय तक किशोर कुमार एक गायक के रूप में भी काफी लोकप्रिय हो रहे थे। यॉडलिंग का उनका अनोखा स्टाइल उस समय ऑलरेडी हिट हो गया था, लेकिन मधुबाला के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी ने इस कॉमेडी फिल्म को इंस्टेंट क्लासिक बना दिया। यह फिल्म इस बात के लिए भी यादगार है कि इसमें गांगुली ब्रदर्स अशोक, किशोर और अनूप ने एक साथ अभिनय किया था। बाबू समझो इशारे और पुकारे। इस वीडियो में हमारी अगली फिल्म है झुमरू, एक म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी। झुमरू किशोर कुमार और मधुबाला की शानदार जोड़ी पर आधारित है। यह कहानी एक सामान्य गरीब लड़के के एक अमीर लड़की से प्यार करने के फॉर्मूला में थी, लेकिन जो चीज झुमरू को वास्तव में अद्भुत बनाती है वह है किशोर कुमार की फनी फिजिकल कॉमेडी और किशोर कुमार की सदाबहार धुनें। फिल्म में उनके किरदार का लक्ष्य गोरखा बनना है और परिणाम काफी मजेदार है। मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुमरू, पकड़ घूमू बनके घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। किशोर कुमार और मधुबाला की विशेषता वाली एक और कॉमेडी फिल्म है हाफ टिकट। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप हर रविवार दोपहर के भोजन के बाद परिवार के साथ इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। इस फुल ऑन कॉमेडी मूवी में किशोर कुमार को एक बच्चे का नाटक करते हुए दिखाया गया था ताकि वह आधे टिकट पर बंबई की यात्रा कर सकें।
यह सिंपल कहानी कैसे धीरे धीरे एक पागलपन भरी कॉमेडी में बदल जाता है, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया। दे गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया। इस वीडियो की अगली फिल्म है दूर गगन की छांव में। अपने यूजुअल कॉमेडी मूवीज से ब्रेक लेते हुए किशोर कुमार ने एक पिता पुत्र के रिश्ते के बारे में इस संवेदनशील फिल्म को लिखा और निर्देशित किया, जो अपने बेटे की खोई हुई आवाज को वापस पाने के लिए बेताब था। फिल्म में पिता पुत्र की मुख्य भूमिका में किशोर कुमार और उनके बेटे अमित कुमार भी थे। ये बंदूक चमक गया। ले, तू तो सिपाही का बेटा है ना? मैं बजाऊं? तो? मैं गाना गाऊं? अरे भाई, मुझे गाना कहाँ आता है? दूर गगन की छांव में एक फिल्म निर्माता के रूप में किशोर कुमार की प्रतिभा का पहला संकेत था। कुछ शानदार अभिनय और सदाबहार गानों के साथ यह फिल्म किसी भी फिल्म प्रेमी के लिए अवश्य देखी जाने वाली फिल्म है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। अगली फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया से लगभग दो दशक पहले भारत में साइंस फिक्शन मूवीज की शुरुआत हो चुकी थी। किशोर कुमार की मिस्टर एक्स इन बॉम्बे में एक अदृश्य नायक को एक रैकेटियर की योजनाओं को विफल करते हुए और इस प्रक्रिया में फिल्म की नायिका का दिल जीतते हुए दिखाया गया था। किशोर कुमार की मजेदार कॉमेडी वाली यह कॉमेडी थ्रिलर अपने समय में बहुत लोकप्रिय थी। किशोर कुमार फिल्म में एक कवि की भूमिका निभाई, जो अदृश्य होने का रहस्य जानने के बाद एक अप्रत्याशित हीरो बन जाता है। इस फिल्म का एक गाना हमेशा के लिए अमर हो गया है। कयामत होगी तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अगली फिल्म है पड़ोसन। संभवतः उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म पड़ोसन को किशोर कुमार की अभिनय क्षमता और गायन प्रतिभा दोनों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। किशोर कुमार ने एक पान चबाने वाला नाटक निर्देशक की भूमिका निभाई, जो पर्दे के पीछे से अपने चेले सुनील दत्त के लिए गा रहा था। शानदार कॉमेडी टाइमिंग और खूबसूरत गाने इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ क्लासिक कॉमेडी में से एक बनाते हैं। यह किशोर कुमार की एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। हमारी आज की सूची में आखिरी फिल्म है दूर का राही। निस्संदेह ये किशोर कुमार की सबसे मैच्योर और भावनात्मक फिल्म थी। फिल्म दूर का राही हमें एक अलग किशोर कुमार से परिचित कराती है। ये फिल्म एक हैप्पी गो लकी स्टार के छिपे हुए इनर सेल्फ की खोज करने जैसा था। किशोर कुमार ने फिल्म का निर्देशन के साथ साथ इसके लिए अभिनय, लेखन और संगीत भी दिया था। यह कहानी मानव जाति के प्रति निःस्वार्थ सेवा से संबंधित है। किशोर कुमार का किरदार फिल्म में जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला करता है, और ऐसा करके वह अपने अस्तित्व में मूल्य जोड़ता है। दूर का राही आत्मा की खोज में एक आश्चर्यजनक प्रयास थी, और एक ऐसी फिल्म थी जिसने एक अभिनेता और कलाकार के रूप में किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा को बेहतरीन रूप से साबित किया। हो कोई मिलन का, युग युग के बंधन का। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और किशोर कुमार की अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में जरूर कमेंट करें। ये सभी फिल्में आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। सभी फिल्मों के लिंक नीचे विवरण में दिए गए हैं। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह हमारा समर्थन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा।